भारत की प्रगति का एक स्वप्न आज जापान के सहयोग से साकार होने जा रहा है। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस स्वप्न का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। इस परियोजना का निर्माण एवं संचालन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा। परियोजना का प्रथम कदम होगा वडोदरा में एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, जहां 4000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर नदी, सड़क और रेल लाइंस को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा। इस परियोजना के निर्माण में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। समुद्र, पहाड़, शहर, हर बाधा को लांघते हुए 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्ग। जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुलनीय होगी। इस उच्च गति के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नति होगी व नव भारत का निर्माण होगा। ऐतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनीकरण होगा, जो इस परियोजना का आरंभ स्थल है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली इस ट्रेन की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सघन जांच होगी। मुंबई टर्मिनल से अहमदाबाद के 8 घंटे के सफर को मात्र 2 घंटे में तय करेगी ये हाई स्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड़ यात्री इससे लाभान्वित होंगे व भारत का नाम उच्च गति रेल के आधुनिक तकनीकी का सफल उपयोग करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से समृद्धि की ये गौरव यात्रा पूरी होगी।